हेलो स्टूडेंट्स, तो सीबीएसई के बच्चों के लिए ये प्रेपरेशन स्ट्रेटजी है फॉर फिजिक्स क्लास। तो आपको इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो आपका जो प्रेपरेशन बहुत अच्छे से होगी। तो मैं शुरू करता हूँ प्रेपरेशन स्ट्रेटजी फॉर द फिजिक्स। तो आपका, जैसे आपको पता है कि पेपर हो रहा है फिजिक्स का 2 मार्च को, तो आज है 27 फरवरी। तो 27 फरवरी से अगर हम हिसाब लें तो आपके पास जो दिन है वो 3 डेज तो कंप्लीट है, एंड आज का दिन तो लगभग निकल चुका है, बट इसमें भी मैं इसको हाफ डे अभी मान के चलता हूँ। तो आपको टोटल 3 3.5 डेज मिले हैं प्रेपरेशन के लिए। तो आपको कैसे तैयारी करनी है उसके लिए मैं आपको थोड़े ट्रिक्स बताऊंगा, तो आपने ये वीडियो ध्यान से देखनी है एंड तक। तो पहले तो हम ये मार्क्स की बात कर लेते हैं कि फर्स्ट चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें से 9 मार्क्स का पेपर आएगा, तो ये एक मीडियम मॉडरेट लेवल का हम इसको चैप्टर बोल सकते हैं। देन करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी मीडियम चैप्टर है, ना इसको हम डिफ़िकल्ट बोल सकते हैं और ना ही हम इसको बहुत इजी बोल सकते हैं। जो ये थर्ड चैप्टर है ये थोड़ा लेंथी है, लेंथ वाइज ये थोड़ा लेंथी आपको लगेगा, इसमें से 10 मार्क्स का पेपर आएगा। और ये जो फोर्थ यूनिट है ये थोड़ा ईजी है और कंपेरेटिवली इसमें से कम पेपर आएगा, 7 नंबर का पेपर आएगा। फिफ्थ चैप्टर जो कि बहुत छोटा चैप्टर है, इसमें से 4 मार्क्स का पेपर सिलेक्टिव, इसके जो टॉपिक्स हैं 2-4 टॉपिक्स ही हैं पढ़ने वाले, तो उसमें से पेपर आएगा। ये इजी में हम डाल देते हैं इसको, ये इजी है, ये मॉडरेट, ये भी मॉडरेट, ये थोड़ा लेंथी है और ये भी मॉडरेट। तो आपने ये क्लासिफिकेशन पहले ये ध्यान से देख लेनी है। ऑप्टिक्स जो कि काफ़ी लेंथी चैप्टर है, यूनिट है, इसके 2 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, रे एंड वेव ऑप्टिक्स। तो ये रे एंड वेव ऑप्टिक्स इसको हम 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ये तो बहुत इजी एंड बहुत ही छोटा चैप्टर है, इसमें से आएगा भी आपको 5 नंबर का पेपर। एटम्स एंड न्यूक्ली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, थोड़ा सा बड़ा भी है चैप्टर ये, तो +1 के हिसाब से देखें तो वैसे क्वेश्चंस नहीं आते इसमें से, थोड़ा सा मतलब आगे पोर्शन जो आता है वो आएगा। तो ये चैप्टर हम डिफ़िकल्ट और मॉडरेट में रखते हैं इसको। और जो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, इसका जो काफ़ी पार्ट रिड्यूस हो चुका है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, तो ये जो चैप्टर है बहुत ही ईजी चैप्टर रह गया है अब, तो इसमें से भी 7 नंबर का पेपर आएगा, तो ये भी ईजी में डाल देते हैं। तो हमने कुल मिला के देखा कि ये वाले चैप्टर्स हमें ईजी लगे, और बाकी सभी ये थोड़ा लेंथी लगा, और ये मॉडरेट, और ये भी मॉडरेट थे, ये जो पहले 3 यूनिट में, पहले 2 यूनिट और थर्ड लेंथी था और ये मॉडरेट था। तो इसके बाद आपने डेज में कैसे कैसे यूनिट्स से तैयारी करनी है, तो ये बात करते हैं। आज के दिन में आपको रात तक सोने तक आपको फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट करके ही आज सोना है, फर्स्ट यूनिट आपका आज प्रिपेयर होना चाहिए। तो कल का दिन जो है 28 फरवरी का, 28 फरवरी के दिन को आपने दूसरा यूनिट पहले करना है, फिर थर्ड और फोर्थ। अगर आप को थर्ड यूनिट थोड़ा लेंथी लग रहा है और फोर्थ यूनिट आपके पास थोड़ा कम नोट्स हैं इसके, मतलब बेसिक नोट्स इसके लेंथ वाइज थोड़े कम टाइम ले रहे हैं, तो फोर्थ यूनिट पहले और थर्ड यूनिट बाद में कर सकते हैं, वो आपने अपना देखना है टाइम के हिसाब से। तो आपने कल रात तक 4 यूनिट पूरे कंप्लीट करने हैं। तो 29 फरवरी को आपने करना है 5th पहले यूनिट, फिर 7th, फिर 9th। ये 3 यूनिट करने के बाद ऑप्टिक्स को बाद में करना है, ऐसा नहीं करना कि पहले ऑप्टिक्स शुरू कर दी तो ऑप्टिक्स में ही सारा दिन निकल गया, ये यूनिट ही ना हो पाए, 5, 6, 7 और 9 वाले यूनिट ना हो पाए। 6th यूनिट जो है वो लास्ट में शुरू करना है, ये 3 यूनिट्स को करने के बाद। हाफ डे को आप 2 बजे तक गिन लीजिएगा, सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक आपका हाफ डे कंप्लीट होगा, और दोपहर 3 बजे से लेकर आपका जो है रात के 11 बजे तक नेक्स्ट हाफ कंप्लीट होगा, ये आप एक अनुमान लगा के चलें। तो यहाँ पर आपको 5 और 2 7 घंटे मिलते हैं, और यहाँ पर आपको 7 घंटे ही मिलते हैं, 1 घंटा आप थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क के लिए, यहाँ पर भी 1 घंटा छोड़ दिया, तो सुबह में भी आपको 1 घंटा आधा घंटा मान के चलना है। तो ये जो हाफ डे तक आपके 29 फरवरी को हाफ डे तक आपके 5th, 6th, 7th और 9th यूनिट कंप्लीट होने चाहिए, और 6th को स्टार्ट करना मींस आपको रे ऑप्टिक्स इसी दिन ख़त्म करनी है, रे ऑप्टिक्स। उसके बाद में आपको 1 मार्च को 6th
चैप्टर का वेव ऑप्टिक्स वाला पोर्शन कंप्लीट करना है, और लास्ट में आपने करना है एट्थ यूनिट। एट्थ यूनिट लास्ट में करना है, इसकी थोड़ी डेरिवेशन है, कुछ एनर्जी की डेरिवेशन, रेडियस की डेरिवेशन, वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेंगी, तो आपने इस दिन करनी है। तो ये आपने टारगेट बना के चलना है कि 2 बजे तक 1 मार्च को आपका एक बार जो है वो सारा सिलेबस हो जाना चाहिए। तो उसके बाद आपने करनी है रिविज़न। तो रिविज़न के वक्त कभी भी ये कन्फ्यूज़ मत कीजिएगा अपने माइंड को कि हमने सारे ही चैप्टर को रिवाइज करना है, क्योंकि आपके माइंड को ऐसा ही लगेगा कि सभी चैप्टर भूल रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। तो आपको क्या करना है, जो फर्स्ट डे में आपने चैप्टर्स किए हैं, जैसे फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, जो भी उनके टॉपिक्स आपने करंट लिखे हुए हैं, जो फार्मूला कई याद करने होते हैं, जो आपने बेसिक नोट्स में से कुछ अंडरलाइन पार्ट्स हैं जो आपको बार बार भूल जाते हैं, उन चीज़ों को ही रिवाइज करना है, उन चीज़ों को ही इन 4 यूनिट्स के रिवाइज करना है। तो अभी आपने ये यूनिट जैसे हमने लिखा है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये लिखे हुए यूनिट, यूनिट में तैयारी अंदर कैसे उसके करनी है वो हम इसके वीडियो में ही शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट यूनिट जैसे आपने, मैंने बोला ये फर्स्ट यूनिट, फर्स्टली आपने उसके बेसिक नोट्स, प्लस आप हमारी वीडियोस या किसी और भी अच्छे चैनल की जो वीडियोस देख सकते हैं, बेसिक नोट्स प्लस वीडियोस, बेसिक नोट्स प्लस वीडियोस, ये देखनी है आपने पहले। तो ये फर्स्ट यूनिट की बेसिक नोट्स एंड वीडियोस देखने के बाद सेकेंडली आपने करने हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सोल्व करने हैं, सोल्ड एंड अनसोल्ड दोनों ही। पहले बेसिक नोट्स एंड वीडियो, पहले वीडियो देखनी है, फिर बेसिक नोट्स याद करने हैं, उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने हैं, फिर प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर कहाँ से उठाने हैं आप, कोई भी 2019 के 5 पेपर अलग अलग सेट डाउनलोड कर लीजिए, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको 2019 के 5 पेपर्स एंड उनकी मार्किंग स्कीम दे रहा हूँ, तो आपको एक्स्ट्रा उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से वो डाउनलोड करके रख लीजिए सभी क्वेश्चंस, क्वेश्चन पेपर्स एंड उनके आंसर्स। तो जैसे आपने फर्स्ट यूनिट किया, फर्स्ट यूनिट के बेसिक नोट्स पढ़े, पहले वीडियो देखी, फिर बेसिक नोट्स पढ़े, फिर उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चंस किए, उसके बाद आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, जो तो सीधे आपको आते हैं, सीधे डायरेक्ट डेफिनेशन है या कोई डायरेक्ट कोई डेरिवेशन है, तो उस पर तो ज़्यादा आपको लगेगा भी ये तो आता ही है। जो क्वेश्चन थोड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, जिसमें थोड़ा आपको माइंड लगाना पड़ रहा है, या आपको कंसेप्ट स्ट्राइक नहीं कर रहा माइंड में, तो उसका आपने मार्किंग स्कीम में से आंसर को नोट करना है और कॉन्सेप्ट को नोट कर लेना है, ताकि आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी क्लियर हो जाए। तो ऐसे ही आपको हर यूनिट में प्रेपरेशन करनी है। तो अगर आपको ये हमारी स्ट्रेटजी पसंद आई है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सीबीएसई के फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। 2 मार्च को आपका पेपर है, तो एडवांस में मैं आपको बेस्ट ऑफ लक बोल देता हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।